हेलो बेटा, वैसे तो हमारे यहाँ के सारे स्टूडेंट बहुत ही अनमोल रत्न हैं, लेकिन आज मैं अपनी आईआईटी पल्स की इस साल की बहुत सारे अनमोल रत्नों में से दो अनमोल रत्न से मिलवाना चाहता हूँ आप लोगों को। उनमें से हमारे एक है, मैं इन्हीं लोगों से बोलूंगा। ये लोग 11th क्लास से आईआईटी पल्स को ज्वाइन किया था और इन लोगों की दोस्ती 11th में हुई थी। और ये हैं इंजीनियर पार्थ जोशी और ये हैं हमारे मनीष, डॉक्टर मनीष। लेकिन ये लोग कभी भी इन लोगों के ओरिजिनल नाम से एक दूसरे को नहीं बुलाते थे, और हमारे जो पार्थ भैया हैं ये इनको बुलाते थे फर्जी डॉक्टर और झाड़पुर कौन सा वाला झाड़पुर वाला। और ये जो डॉक्टर मनीष हैं इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, इनके 568 12th के साथ ही दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत बड़ी बात है एमबीबीएस में 12th के साथ सिलेक्शन होना। और आप क्या बुलाते थे? बेरोजगार बेरोजगारी इंजीनियर। तो आप लोग आज मिलने वाले हो बेरोजगार इंजीनियर आईआईटीएन पार्थ जोशी और डॉक्टर फर्जी डॉक्टर डॉक्टर मनीष कुमरावत। तो बेटा आप लोगों को जो भी कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हो हमारे स्टूडेंट। कैसे पढ़ना चाहिए, सब लोग 11th क्लास में हैं, नेक्स्ट ईयर 12th में आने वाले हैं, इनको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बस थोड़ा सा इनको मोटिवेट कर दो। पार्थ भैया कितने टाइम पढ़ते थे इन होल डे? मैं 8 से 8 देता था यार, कितनी बार सर से पहले बहुत जाता था। और जान कितनी बार तो ऐसा हुआ कि सर हमको बोलते थे, जो रहते थे कि जाओ अब हो गया टाइम, 8:30 तक पढ़ते थे, सुबह से 8 के बाद 8:30 तक पढ़ते, और 4 घंटे क्लास हटा दो तो बचे हुए 8 घंटे रहते थे, उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे का ब्रेक लेते थे, बाकी तो पढ़ते ही थे। यार आप लोग जब यहाँ पर आए थे तब से लेके कुछ शॉर्ट में, मैंने बात आपसे कहूंगा 5 मिनट में पूरी लाइफ, मतलब 11 से 12 2 साल की जर्नी बता सकते हो। जब आए थे तो स्टार्टिंग क्या था, आपके मार्क्स कैसे आते थे, कम मार्क्स आते थे तो बहुत डिप्रेशन आती थी कि हार मान जाते थे कि फाइटिंग करते थे, किस टाइप से आपने सभी लोगों के, अभी 11th में बहुत अच्छे लोग मतलब अच्छे नंबर भी आते, ये लोग अच्छे नंबर और मतलब अच्छे नंबर आने के बाद भी ये लोग अपने आप को अच्छा मान ही नहीं पाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस टाइप की आप बता सकते हो? जब मैं 11th में आया था तब मैं 10th में तो शायद तक 2-3 घंटे से ज्यादा मैंने शायद तक तो पढ़ा था। जब आया था यहाँ तब नया नया था, 8 to 8 तक, तो हमको सर ने बोला था कि थोड़े दिन एडजस्ट हो, उसके बाद हम तब हमने थोड़े दिन में एडजस्टमेंट किया। शुरू के चैप्टर भी यूनिट डायमेंशन वो तो स्लो ही थे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। फिर जैसे एनएलएम चालू हुआ मेजर चैप्टरों में से, तो हमको प्रॉब्लम आने लगी थी, हमको भी ऐसा लगता था कि कितना होगा या होगा कि नहीं होगा हमारा, जबकि अभी तो सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ था, हमको ये क्वेश्चन आता था कि हमारा सिलेक्शन होगा कि। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये तुम ध्यान पढ़ाई पे दो, सिलेक्शन बाद में आएगा, सिलेक्शन एग्जाम आया तब इतना सोचना, पढ़ाई पे ध्यान दो। और सर जो करे फिजिक्स में तो सर को फॉलो करो, उनके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार तो सेम एग्जाम्पल पेपर में भी आते हैं। हमने तो 2 या 3 बार सर की क्लास सेम क्लास अटेंड करी हुई ड्रॉपर्स के साथ। आप डीआरटी और संडे टेस्ट हमेशा देते हैं क्या? हाँ, डीआरटी और ये फ्री हो रहा बार बार। डीआरटी और प्रैक्टिस शीट तो डेली करते थे, और संडे टेस्ट तो हर संडे अटेंड करना पड़ता था यहाँ पे, नहीं तो संडे में हम बाहर ही कर देते थे, तो फिर लास्ट में। बताओ पार्थ भैया, संडे टेस्ट डीआरटी का इम्पोर्टेंस? देखो जो आईआईटी है ना, वो सिर्फ तुमको कितना आता है उससे तो कभी क्लियर होनी नहीं, कि मैंने कितने जनों को ऐसा जानता हूँ जिनने बहुत अच्छा पढ़ा पर एग्जाम के समय उनको कुछ आ ही नहीं रहा था। तो आईआईटी एक ऐसी एग्जाम है जहाँ आपका टेम्परामेंट आपको आना चाहिए, आपको आदत होनी चाहिए टेस्ट देने की। पर आपको टेस्ट देने की आदत नहीं है तो आप भूल ही जाओगे आपकी आईआईटी होगी। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं पढ़ लेता हूँ, आपसे भले ही क्वेश्चन हो रहे हैं किसी भी लेवल के, पर अगर आपको टेस्ट देने की आदत नहीं है तो आप भूल जाओ आईआईटी होना, मेंस में भी नहीं होगा फिर तो मुश्किल से। इसलिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंस है। डीआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें हमारा इतना लोड रहता है कि आधे घंटे में आपको 24 क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन का लेवल कोई कुछ भी हो सकता है, कहीं भी वेरी हो सकता है। तो डीआरटी में हमको लोड को कैसे झेलना है वो आता है। कितनी बार होता था कि हम 12 क्वेश्चन भी मुश्किल से अटेम्प्ट कर पाते थे, तो उसमें डिप्रेस होना है ऐसा कुछ भी और सोचने वाली बात नहीं है। आप ध्यान दो कि आप 12 कर रहे हो तो कम से कम 11 तो सही हो, जितने कर रहे हो उसके 90% सही हो। इलेवेंथ में आपके तकरीबन कितने मार्क्स आते थे टेस्ट में? मैंने याद तो नहीं रखा, इलेवेंथ कितने मार्क्स इलेवेंथ आते में तो 360 का था इनिशियली, बाद में चेंज हुआ, तब मेरे को वेरी करते थे 200 से 300 के बीच में आ सकते थे कभी भी, और डिपेंड करता था कौन मार्क्स सा मेरे मेडिकल में? मेडिकल में टेस्ट में यहाँ पे तो कभी कभी कम भी आया है, 450 के आसपास भी आया है मेरे, फिर कभी कभी 550 के आसपास भी पहुंच गए हैं, पर डिप्रेशन नहीं हुआ मैं इसमें।
बस पढ़ाई कर रही हूँ। इलेवेंथ में तो 500 ही एक बार आए थे बस पूरे सारे टेस्ट में, बाकी कोई नहीं। और फाइनली तो 560 के ऊपर ही था मतलब। और कुछ क्वेश्चंस? हाँ, नेगेटिव मार्किंग। एक बार हमको नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस के लिए ऐसा किया था कि डीआरटी में करेक्ट के प्लस 4 थे और माइनस इनकरेक्ट के माइनस 4 रख देते ताकि इनकरेक्ट मतलब गलत क्वेश्चन कम करे। उसमें तो क्या नंबर आए थे मतलब क्या ही बताएं, क्योंकि गलत भी बहुत हुए थे हमारे, मुश्किल से 4-5 नंबर आए होंगे। उसमें ऐसा नहीं कि आप रोने बैठ जाओ कि हाँ इतने 96 में 4 नंबर आ रहे हैं, अब तो कुछ होना ही नहीं। तो पैटर्न पे भी डिपेंड करता है इनकरेक्ट। आपको इसलिए टेस्ट दोगे तो आपको आदत आदत बन जाएगी कितने करने कितने नहीं करने आपके। हाँ, ये लोग पूछ रहे हैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी आप लोगों ने? आईआईटी पल्स वाली का इतना लोड रहता था कि कुछ और ज्वाइन ही नहीं कर सकते। वो ही दे दो सारी तो बहुत है, वो मतलब सफिशिएंट से भी ज्यादा बोलूंगा मैं तो। एक 11th वालों को ये भी डाउट रहता है कि स्कूल और कोचिंग साथ में कैसे मिले, बहुत सारे स्कूल वाले बच्चे हैं इसमें। अच्छा, तो ये भी बार बार पूछते हैं वो लोग। दिन का टाइम टेबल क्या था, कितने बजे उठते थे? मैं तो दूर रहता था तो मेरे को 6:30 के पहले उठना पड़ता था। मेरी वैन भी आ जाती थी 7-7:30 तक, तो नहाना पड़ता था और ऐसे चीजें थी। 6:30 उठ जाता था मतलब, और फिर सोता था 9:30 या 10:30 हो जाती थी। पर हाँ, नींद सही लेना है, ऐसा भी नहीं कि पढ़ना है, पढ़ाई के लोड में 5 घंटे पढ़ रहे हो या 6 घंटे सो रहे हो, सिर्फ 6 घंटे सो रहे हो इतना नहीं करना है, दिमाग वर्क ही नहीं करेगा। कम से कम 7-8 घंटे की नींद लो। टाइम टेबल वैसे तो बता दिया एक बार कुछ शॉर्ट में, अगर किसी का डाउट है। जैसे तुमको दिया है टाइम टेबल वैसे हमको भी दिया था और हम लगभग फॉलो करते थे, थोड़े एडजस्टमेंट कर लेते थे हमारे हिसाब से कि मतलब कौन सा चैप्टर वीक है तो उसको कम टाइम दे रहे हैं, पर्टिकुलरली कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है तो उसको थोड़ा कम या ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उस हिसाब से चेंज कर लिए। मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ, इन लोगों की सबसे अच्छी बात पता क्या थी, ये लोग टीचर ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर, बायो के अंदर जो बोल दिया वो करना है। इनके मन में बहुत सारी प्लानिंग होती थी, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन किसी टीचर ने बोल दिया पहले ये करना है तो वही करना है, उसके बाद उसको करना है। बहुत सारे लोग होते ना, वैसे मेडिकल के स्टूडेंट को मैं बागी बोलता हूँ, स्पेशली डॉपर वालों को, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से ज्यादा चलना चाहते हैं। बुरा मत मानना बेटा मेरी बात को कोई भी, वो लोग अपने हिसाब से ज्यादा चलना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की खास बात ये थी, इनको बोल दिया ऐसा करना है तो वैसा ही पहले करते थे, उसके बाद टाइम बच जाए तो अपनी प्लानिंग लोग स्टार्ट करते थे। इस मामले में सर ने भले हो, सुनील सर हो या कोई और भी बोले, सर ने जो बोला करना वही है, क्योंकि अंत में हमारा सिलेक्शन हुआ उसका सबसे बड़ा कारण हमारे टीचर्स ही है सारे। हमारे इतने डाउट्स क्लियर किए, छोटे से छोटे डाउट्स हो बड़े डाउट्स हो हम साथ में बैठ के कितनी बार डिस्कस करते थे आधे एक घंटे। तो तुम भी अगर टाइम ऐसे निकाल पाओ सर से कभी डिस्कस करने का तो अपने डाउट्स डिस्कस करा करो पूरे तरीके से, क्योंकि डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तुम्हारे सब्जेक्ट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आर्ट्स का कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें, कोई इनमें से भी कई लोगों ने लेट ज्वाइन करा है। हाँ, तो जो बैकलॉग से वो कैसे क्लियर करने चाहिए? बैकलॉग देखो तुम्हारा, हाँ जनरली सैटरडे सर सिंह की सैटरडे संडे दोनों दिन होती क्लास, संडे नहीं, नहीं अभी संडे नहीं है संडे। तो तुमको अगर बैकलॉग क्लियर करना है तो तुम्हारा जो करंट टाइम टेबल है उसको तुमको पुश करना पड़ेगा। हमारे साथ भी बहुत बार हुआ ऐसा कि हमको इतनी शीट मिलती थी कि हम आज जो मिल रही है वो तो एक हफ्ते बाद कर रहे हैं, पर हमको बोला है तो हमको करना रहता था टाइम पे, तो हम एक्स्ट्रा टाइम निकालते थे। अब बैकलॉग क्लियर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है और एक मोटिवेशन भी होना चाहिए कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो और उसके बाद आपका पीछे का भी आपको पढ़ना है तो आपको एक्स्ट्रा 9 या 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ बैकलॉग क्लियर करना है तभी होगा। और जनरली नोट्स से काम हो जाना चाहिए, अगर आपने खुद के बनाए तो दूसरे के नोट्स पर रिलाय मत करो, क्योंकि जब हम खुद लिखते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहता है, इसलिए नोट्स भले ही तुम उससे रेफरेंस नहीं ले रहे हो पर लिखा जरूर करो ताकि याद अच्छे से रहे। और बैकलॉग के लिए इससे ज्यादा बस टाइम ज्यादा देना पड़ेगा तुमको, और जैसे दिवाली की कभी छुट्टी मिल गई या किसी की 2-4 दिन की ऑफ मिल गया, कोई सा लेक्चर फ्री हो गया तो उसको वेस्ट करने की जगह वो क्लियर कर लो। डिपेंड करता था, 11th में तो जल्दी पहुंच जाते थे 8:30 तो लेट सोता था, उसमें इतना लोड नहीं था, पर जैसे 12th में पढ़ाई बढ़ने लग गई तो थोड़ा और जल्दी सोना पड़ा ताकि सुबह जोर जल्दी उठ पाए, 10-10:30 के बाद उसके बाद नहीं यूज करते थे। सर यही था शेड्यूल तो पूरा 8:00 प्रोग्राम में, हमारे तो हॉस्टल में था, बाहर से आया था मैं तो जल्दी कोचिंग आने का करते थे सुबह, जल्दी से जल्दी आ सके, फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो जाते थे। बाहर के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको थोड़ा
जैसे टाइम मैनेजमेंट भी रहता थोड़ा उनका तो, क्योंकि जल्दी जाके तुम्हारे को हॉस्टल में दूसरे काम भी रहते थोड़ा बहुत तुम्हारे प्राइवेट, लेकिन पढ़ाई पे तो इम्पोर्टेंस देना पड़ती है इसकी बात। और लॉकडाउन के टाइम पे कैसा किया हाँ, था, लॉकडाउन के समझे टाइम अगर मैंने पे आप किया? कोचिंग बंद हो गई थी तो सारे टेस्ट तो वैसे वो चल ही रहे थे कोचिंग के, लेकिन बहुत कम बच्चे दे पा रहे थे उस टाइम पे। और टेस्ट सीरीज कोचिंग की थी मेरी, बाकी तो और किसी की थी नहीं कुछ। तो उस टाइम नंबर मार्क्स जो मेरे थे सारे बहुत डाउन हो गए थे, लेकिन फिर भी टीचर्स ने बोला कि आगे करो कवर, नहीं तो फिर अब होगा क्या आगे तुम्हारा। तो वही फिर मैंने आगे वापस से टेस्ट देना चालू करे, और अदर टेस्ट भी दिए ऑनलाइन पोर्टल में, बहुत सारे टेस्ट रहते थे तो सारे मैंने दिए, और फिर मार्क्स ठीक था। और बस और कितने मार्क्स आए तो बता दो मार्क्स भाई, मेरे 568 थे नीट 2020 में, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खड़वा में फर्स्ट अटेम्प्ट में। हुआ सीट सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देते थे भैया? है। मनीष भैया मेडिकल में अब स्टूडेंट है वो। वो तो डिपेंड करता था, अगर जो भी टेस्ट के हिसाब से जितने आप टेस्ट देते हो, डीआरटी देते हो, यहाँ पे जो प्रैक्टिस शीट मिलती है उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में, किस में वीक हो, तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। टाइम तो आपके ऊपर है कि आपका क्या वीक है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, इससे मैं थोड़ा बता सकता सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वगैरह की तीनों की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए। बायो कैसे बताऊंगा जो वीक जाता था? देखो पूरा ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा सब्जेक्ट वीक जाएगा, कोई टॉपिक बोलते हो अगर आपका पूरा सब्जेक्ट वीक जा रहा है तो मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो सब्जेक्ट पे, सीधी बात है। एग्जांपल दे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कौन सा कॉलेज मिला? मेरे को आईआईटी मंडी मिला, उसमें डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है, बट काफी अच्छा कॉलेज है, मतलब लोकेशन वाइज तो शायद सबसे अच्छा होगा, मेरे को तो बहुत पसंद आया वो। अब बुलाएं तो है, अभी तो घर से सब एक बराबर। बाकी बैक टू द क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हें कोई से चैप्टर में, कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो तुम स्टार्ट करो उसके बेसिक क्वेश्चन से, उसके बाद जो सर ने कराए हैं उस पर जाओ। बेसिक मतलब बहुत सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन वाले, उसके बाद जो सर ने कराया उसको आप देखो एक बार, उसके बाद थोड़े लेवल बढ़ाओ, और आखिरी में जो डेरिवेशंस होते हैं और जो सर ने कराया वो खुद से करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं कि देख के आप सेम स्टेप लिख रहे हो, सॉल्व करना भी नहीं होता। और आपको और अपना लेवल बढ़ाना उस अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब टॉपिक में, तो रेफरेंस बुक ले सकते हो, पर आपको इतना टाइम शायद तक ही मिले, मतलब एक्स्ट्रा डेडिकेट करना पड़ेगा, जो मतलब प्रैक्टिस शीट के बाद आपको शायद तक इतना टाइम मिले कि आप सब 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 टॉपिक्स के लिए कर पाओ, तो जिसमें कम है उसमें डेडिकेट कर सकते हो आप। रेफरेंस बुक है, इरोडो कर सकते हो, मैंने तो नहीं की कभी, मेरे को इरोडो से ज़्यादा अच्छी बुक फिजिक्स ओलंपियाड की लगी थी, उसमें भी मैंने मेनली एनएलएम और रोटेशन किया था क्योंकि वो वीक था मेरा, मतलब वीक तो नहीं था पर एडवांस लेवल का नहीं था, इसलिए मैंने फिजिक्स ओलंपियाड से वो किया था रोटेशन, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। दो क्वेश्चन दो मॉड्यूल क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट डीआरटी। पहला ये कि आपको जीएसयू में प्रॉब्लम आती थी क्या, और 12th बोर्ड में कितने परसेंटेज करो, बोर्ड्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? जीएसयू का प्रॉब्लम तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्लियर कर दो सबका, हाँ अपना भाई तू एब्सेंट था इसलिए तो जीएसयू में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ये सर जो बोल रहे हैं सही है, एब्सेंट रहोगे तो ऐसा ही होगा, जीओसी में तो स्पेशली ऑर्गेनिक में ऐसा ही होता है, और अभी 11th वाले हो तो ये ध्यान रखना कि अगर जीओसी बिगड़ा तो 12th में तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक में, और अगर तुम्हारा अच्छा रहा जीओसी तो तुमको ऑर्गेनिक में मजा आएगा। मेरे को आता था पर्सनली, मैं बहुत इंजॉय करता था ऑर्गेनिक को। इसके अलावा जहाँ तक कि 12th की बात है, मैंने हिंदी इंग्लिश के लिए 7 घंटे पढ़ाई की थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 4 घंटे पढ़ा होगा बस एग्जाम के एक दिन पहले। हाँ बोर्ड भी बता दो भैया एमपी परसेंटेज। बोर्ड था और मेरे कितने 82% बने थे शायद, दोनों ही डमी स्टूडेंट्स थे। हाँ हम दोनों ही डमी थे। जी एग्जाम देने गए थे तो आपको डर लगा था क्या अंदर से, जी मेंस देने गए थे तो? रोहित पूछ रहा है। इसको अभी से लग रहा है भाई इतना लोड मत ले, अभी सोचेगा इतना सोचेगा तो उस समय जाके जरूर लगेगा। मैंने कभी सोचा नहीं कि हाँ एग्जाम देने जाऊंगा ऐसे लाइन में खड़ा रहूंगा फिर बैठूंगा, ऐसा सोचा नहीं मैंने कुछ, बस जिस दिन एग्जाम आई उस दिन जल्दी उठ गया थोड़ा, आधे 1 घंटा खुद को काम करो, और इतना इतना सोचने की जरूरत नहीं कि हाँ एग्जाम देनी, एग्जाम के लिए सिर्फ एग्जाम को फोकस बना के मत पढ़ो, पढ़ना है अच्छा करना है इसलिए पढ़ो, तो डर नहीं लगेगा उस दिन। अगर इतना सोचोगे कि हाँ आईआईटी देना है, आईआईटी में नहीं हुआ तो बिगड़ गया क्या होगा, तो जरूर आप उस दिन डरोगे। आपको बहुत सेल्फ अच्छी बात स्टडी बोली की है, जरूरत है। मतलब मैं आपको सच बता दूं, जी उनका किसी का आईआईटी में 99% सिलेक्शन नहीं होता जो आईआईटी को सोचते हुए, आईआईटी को सोचते डिग्री हुए परसेंटेज टारगेट पास करते कर हैं। लिया जो लोग ये सोचते इसमें भी हुए इतनी देर टारगेट करते हैं कि पड़ी मुझे पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट को एंजॉय करना है और सब्जेक्ट में लेवल बढ़ाना है, सिलेक्शन उनका ही होता है आईआईटी में, ये दिमाग में सेट कर। आईआईटी के बारे में बोले ही नहीं करो, आपको तो बस भरोसा रखना है। और आपको कभी लगता है कि मेरी आईआईटी वाली पढ़ाई चल रही है, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो,
आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा किस लेवल पे काम चल रहा है। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, हर टेस्ट के बाद अपने आप को सोचते हैं कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उनका रियली में नहीं होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे सब्जेक्ट को मैं इंप्रूव कैसे करूं और इस लेवल पे पहुंच गया आप नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाऊंगा, उसके नेक्स्ट लेवल पे लेके कैसे जाऊंगा, उनका ही सिलेक्शन होता है। और मैं पार्थ की सबसे अच्छी बात हूँ मनीष की, ये लोग कभी भी, मैंने इनसे कई बार पार्थ से बोला कि बेटा आईआईटी का क्या ड्रीम है, कौन सा कॉलेज चाहिए, बोले जो मिल जाए, मुझे तो पढ़ाई करनी है। हम लोग की जब इनका सिलेक्शन हुआ तो ब्रांच के लिए बहुत हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया, कई बार मैंने पूछा अलग अलग एंगल से पूछा कि शायद इनके मन में कुछ और आ जाए, तो पार्थ का एक ही कहना था मुझे तो पढ़ाई को एंजॉय करना है, पढ़ना है अभी, ब्रांच कोई भी हो। और रियली में आईआईटी में जाने के बाद भी जो लोग आईआईटी में ये सोचते हुए जाते हैं कि मुझे आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा और लाइफ बन जाएगी, वो लोग गलत सोचते हैं। वहां जाके पता चलता है कि अभी हम लोगों ने जितनी पढ़ाई की है उससे ज्यादा पढ़ाई तो अब करनी है। तो आप लोग आईआईटी के बारे में मत सोचो, आप तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, पढ़ाई को एंजॉय करो, कितना लेवल अपना ऊपर ले जा सकते हो ले जाने की कोशिश करो, जहां पर भी आप लेवल नहीं बढ़ा पा रहे हो टीचर से डिस्कस करो, 100% आईआईटी में सिलेक्शन होगा। और आप हर टेस्ट के बाद, हर डीआरटी के बाद, हर क्वेश्चन के बाद अपने आप को कहोगे कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रियली में नहीं होगा। क्यों बेटा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, आप लोग सोचते, मनीष आप सोचते थे क्या? मुझे जहां तक याद है मनीष से मैं बात करूं तो 12th के इनके 11th में 400 से ऊपर कभी बहुत कम एक बार टेस्ट में मार्क्स आए हैं, नीट में 720 में। आखिरी में तो इसके मेडिकल ड्रॉपर से भी ज्यादा नंबर आते थे 11th 12th में, कई बार शुरू में मतलब इतना अपग्रेड कराया धीरे धीरे इसने चीजों को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, हर टेस्ट में नीट के अकॉर्डिंग सोचने लगते हैं, यार धीरे धीरे करके बढ़ना है हमें। कि मुझे पार्थ का भी याद है, पार्थ तुम्हारे 11th क्लास में थी, रिजल्ट देखा जाए हम लोग देख रहे थे तो उसमें 360 में 170, 160, 180 ऐसे मार्क्स आए हैं, बहुत सारे 360 में, तुम्हारा 300 का होता है, 300 का होता है। नहीं, पार्थ ने कभी ऐसे डिसाइड नहीं किया ऐसे नंबर, एक एक टेस्ट में तो इनके माइनस में भी नंबर आए एडवांस में, एक टेस्ट ऐसा भी था जिसमें टोटल मार्क्स कितने थे 12 पूरे, हां शायद ऑनलाइन देख रहे थे। तो उस दिन तो इनको यही सोच लेना चाहिए ना, मेरा तो आईआईटी होना ही नहीं है। लेकिन रियली में जिन लोगों को आईआईटी में जाना होता है वो कभी सोचते ही नहीं है, वो तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। तो आप लोग भी कसम खा लो, मुझे आईआईटी के बारे में दिन रात नहीं सोचना है, हमें सोचना है पढ़ाई के बारे में कि हम अपना पीसीएम पीसीबी कैसे अच्छा कर सकते हैं। हाँ सर, सोचा था मैंने भी एक बार, शायद तक केवी दी भी थी कुछ तो दिया था मैंने एक बार 11th में, पर ऐसे खास नहीं गई थी क्योंकि 11th में इतने मेरे डेवलप नहीं थे। सही बोलूं तो केवीपीवाई में तो 12th वालों को ज्यादा होता है, भले उसमें सिलेबस 11th का ज्यादा हो पर 12th वालों का डेवलप ज्यादा रहता है। उसके बाद मैंने फिजिक्स ओलंपियाड उनका भी सोचा था पर वो डेट निकल के ध्यान भी नहीं रहा मेरा। हाँ, पर तुमको देना चाहिए, प्रैक्टिस होगी, मैं तो ये बोलूंगा सबको कि फिजिक्स ओलंपियाड केमिस्ट्री ओलंपियाड दो, और उसके क्वेश्चन जब तुम करोगे तो वो एडवांस लेवल कितनी बार टच कर जाते हैं, मेन से ऊपर ही रहते जनरली। डॉक्टर महेश भैया से क्वेश्चन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा और कुछ करा कि नहीं आपने? हाँ, यहाँ पे 8 to 8 प्रोग्राम में सारे प्रैक्टिस शीट और जो भी मिलते थे बस वही करते थे, उनमें बाहर के क्वेश्चन भी रहते थे साथ में एनसीईआरटी भी रहती थी, तो वो इसमें ही हमारा कवर हो जाता था सारा, क्योंकि यहाँ के 8 to 8 प्रोग्राम को ज्वाइन में मतलब उसमें तुम्हारे को सारी चीज़ें मिल सकती है, प्रैक्टिस शीट में सारी चीज़ें मिलेगी, तीनों सब्जेक्ट रहेगा उसमें, तो उसमें ही हो जाता था हमारा तो। नहीं कभी नहीं, अच्छी हो उनका, आपको टफ इसलिए लगता है कि वो चीजें रहती है जो हमको पढ़ाई नहीं है इसलिए टफ लगता है, बाकी रहता इजी है वो भी, ज्यादा से ज्यादा इरोडो कर सकते हो। मैं तो फिर भी फिजिक्स ओलंपियाड ही रिकमेंड करूंगा, अरे आपको एडवांस जैसे क्वेश्चन करने हैं उससे भी टफ करने हो तो उसमें अच्छे हैं, पर वो आप ऐसे डायरेक्ट कर लोगे तो कितनी बार उससे डीमोटिवेट हो सकते हो कि हाँ क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, अभी पढ़ा एनएलएम नहीं हो रहे, तो आखिरी में ही करना जब आपको ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ आपने डेवलप किया अपना सब्जेक्ट। 12th के साथ जेई दोनों की एक साथ कैसे तो स्कूल और जेई दोनों एक साथ कैसे बैलेंस देखो, तो मैंने तो वही बताऊंगा कि 12th की मैंने पढ़ाई सारे सब्जेक्ट की मिला के मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं करी थी, क्योंकि एमपी बोर्ड था तो मेरे को लोड तो था ही नहीं, और किस्मत की बात ये थी कि उस साल 70% 75 वाला क्राइटेरिया भी हट गया था, तो मैं तो और भी लोड ने लिया,
फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में तो पढ़ा हुआ था कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो तो कर सकते हो। मेन आपको इंग्लिश या कोई से दूसरे सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना होता है, वो भी इतने टफ नहीं रहते, वो एक दिन या दो दिन के आप अच्छे से पढ़ो 7-8 घंटे तो वो भी हो जाएगा। जो भी यहाँ पे टॉपिक चल रहे हैं कोचिंग में, जो भी तुम्हारे को पढ़ा रहे हो उस टॉपिक को साथ में अगर तुम एनसीईआरटी कवर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और एनसीईआरटी के मेन मेन पॉइंट्स को तुम अगर नोट्स में भी लिख रहे हो तो बहुत बेटर रहेगा। कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी अप्रोक्सीमेटली? कितनी बार पढ़ी? मैंने तो 20-25 से तो बार ज्यादा बार पढ़ी है। 20-25 से ज्यादा बार? और जो जो टॉपिक कैसे लगते थे कि जिनसे चांस ज्यादा रहते हैं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी देखा था मैंने उसमें कि जिस टॉपिक से ज्यादा आ सकते हैं, जैसे बायो में नीट में बोटनी से ज्यादा रहता है आने का, तो बोटनी में एनसीईआरटी टॉपिक्स की ज्यादा पड़ी थी उस टॉपिक्स की, ऐसा था। और कुछ किसी और कोई और क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे देखो जनरली इसके लिए सर टाइम टाइम पे ऐसा लेक्चर जरूर लेते हैं मोटिवेशन का, वो बहुत फायदा देता है। हाँ देते हैं सर। लेते हैं, सही है सही। और दूसरी चीज सर भले लेक्चर लेते हो और आप तुम खुद को मोटिवेट करना नहीं जानते हो ना तो सर का टेम्पर वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो थोड़ा टेम्परा मतलब टेम्प्रेरी रहेगा। 2-3 दिन ऐसे मोटिवेटेड फील करोगे फिर वापस क्वेश्चन नहीं होगा तो वापस पहले ही जगह पे आ जाओगे। तो खुद को मोटिवेट करने का रीजन ढूंढो एक, और वो रीजन सिर्फ आईआईटी में जाना नहीं होना चाहिए या पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, वो अच्छा रीजन ढूंढो तो वैसे डीमोटिवेट नहीं होगे, और डीमोटिवेट नहीं होगे तो कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस की बात है तो खुद को कंपेयर भी मत करो किसी से कि टॉपर से कंपेयर कर रहे हो उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं या मेरे इतने क्यों नहीं आ रहे। कितनी बार टॉपर से ज़्यादा मतलब मेरे दोस्तों में ऐसे भी हैं जो टॉपर से ज़्यादा रैंक लिया है जेई में, भले पूरे साल उनसे नंबर कम रहे हैं पर रैंक ज़्यादा लिया है, तो ऐसे कंपेरिजन कोई फ़ायदा नहीं देगा तुमको। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जरूर रख सकते हो कि हाँ मुझे इसके जैसा इसके जितने मार्क्स लाने या इतने तो लाने चाहिए इतने आने चाहिए, पर उसको अगर तुम ऐसा लोगे कि इतने नहीं आ रहे तो मेरे होंगे ही नहीं तो ये गलत है, तो इससे तुम पीछे हो जाओगे। और दोनों लोगों ने ऑनलाइन भी स्टडीज की है और ऑफलाइन भी की है जब तक मार्च के पहले, जब ऑफलाइन आपको ऑनलाइन ज्यादा अच्छा लगा कि ऑफलाइन? वही क्वेश्चन था कि ऑनलाइन ऑफलाइन की स्ट्रेटेजी कैसी होती है। ऑनलाइन तो क्या अच्छा लगे उसमें, ऑफलाइन ही अच्छा था। अभी क्या बताऊं कॉलेज चल रहा है ऑनलाइन, आधे बच्चे सोते हैं आधे बच्चे गाने लगा देते हैं, क्या बता क्या हमारे यहाँ भी है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन से आतंकवादी आ जाते कुछ स्पैमिंग भी होती बहुत होती है हमारे तो ग्रुप में, दूसरे वाला आके कुछ तो मैसेज डाल के चले जाते हैं, बहुत बार होता है। गाली भी देते हैं? मैं वो सब देते हो तो बोल रहा हूँ, इसलिए एडमिन ध्यान दे कि कब ओनली एडमिन करना है, ये तो ज्यादा सब जगह ऑनलाइन चल रहा है देख लो। सब जगह आईआईटी में ही हो रहा है, हम आईआईटी मंडी वाले भी आईआईटी दिल्ली के ग्रुप में जाके टाइम पास करके आते हैं, वो हमारे इधर आके टाइम पास करते, पढ़ाई तो दूर की बात है। ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी? ऑनलाइन में मेरे तो लॉकडाउन जब हुआ था मैंने 2 महीने तो हाथ भी लगाया होगा पढ़ाई को, मतलब घर पे तो आदत ही नहीं थी क्योंकि पढ़ने की, पूरे साल 2 साल ऐसे घर पे ही पढ़ा तो उस समय तो बहुत हालत खराब हुई थी। फिर मैंने ले देखे वापस चालू किया पढ़ना, मतलब मेरे 2 महीने तो वेस्ट ही गए, और मेरे को ऐसा लग रहा था बढ़ाए जाओ मेंस को बढ़ाया जाओ एडवांस को बढ़ाया जाओ, तो आखिरी में डेट आ गई फाइनल तो पढ़ना पड़ा। फिर वापस ट्रैक पे आया धीरे धीरे, 4 घंटे चालू किया 6-8 ऐसे किया, फिर 10 घंटे पे रुके हम किया, 10 घंटे पढ़ाई हो रही बस। तो घर पे एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं हो पाती मेरे से तो, पर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा शेड्यूल फॉलो करो पूरा, सबको अपना इंडिविजुअल देखना चाहिए। मनीष जो सर टीचर्स पढ़ाते थे टॉपिक उसके अलावा आप खुद से कोई दूसरा टॉपिक उठा के पढ़ते थे? नहीं, अगर सर एनएलएम या रोटेशन पढ़ा रहे तो मैं ऐसा और कुछ नहीं पढ़ूंगा, उसके बारे में कोई सी बुक से पढ़ सकता हूँ अगर एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आ रही हो तो, या सर से पूछ लूंगा जो मतलब पर्टिकुलर जहाँ दिक्कत आ रही हो सर से पूछ लूंगा, पर ऐसे दूसरे टॉपिक साथ में लेना तो गलत ही रहेगा, मतलब ये भी रह जाएगा वो भी रह जाएगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के अलावा भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी क्या? एक बार पढ़ लो, मैं ऐसा इसके से नहीं बोलूंगा कि 25-30 बार पढ़ना है। मैंने तो ऑर्गेनिक और फिजिकल में केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। फिजिकल में तो मेनली कैलकुलेशन पार्ट ही आता है अगर अपन मेंस और उसकी बात करते हैं तो, पर बोर्ड्स में जरूर थोड़ा बहुत आता है, तो एक या दो बार तो पढ़ना चाहिए कम से कम। मैंने भी पढ़ा था कुछ कुछ चैप्टर पढ़े थे, इनऑर्गेनिक जरूर 5-6 बार पढ़ी होगी मैंने भी, इसलिए थोड़ा बहुत याद, वो आपको इधर मेंस में भी प्रॉफिट देगा कि जो पॉइंट्स इनऑर्गेनिक में आप 5-6 बार पढ़ते हो तो कुछ तो याद हो ही जाएंगे उसमें से,
इसलिए इनऑर्गेनिक पोर्शन ज्यादा पढ़ो और फिजिकल और ऑर्गेनिक कम पढ़ो। ऑर्गेनिक तो मैंने बहुत ही कम पढ़ा था, वो सर के कारण ही, सर ने इतना अच्छा पढ़ा दिया था, इसे एनसीईआरटी से जरूरत नहीं पड़ी। नीट में कैलकुलेशन का हमको 11th में जो एस सर ने सिखाया था मैंने उसको डेवलप किया बस, कि कैसे करना है मेंटल। और अब तो वो भी चले गया कैलकुलेटर, अब तो हमको बोलते हैं टीचर कैलकुलेटर यूज करो, अब वो भी धीरे धीरे जा रहा है। पर हाँ, अगर तुमको चाहते हो कैलकुलेशन अच्छा हो तो कैलकुलेटर से दूर रहो और मेंटल ज्यादा ट्राई करो। भैया नीट के लिए बायो एनसीईआरटी काफी है? हाँ, अभी तो 2019-20 में आप भी देखोगे तो जो भी क्वेश्चन है, इस बार भी 84 क्वेश्चन जो 90 में से 89 क्वेश्चन थे, सिर्फ एक क्वेश्चन था बोटनी का बाहर का, बाकी सारे एनसीईआरटी से थे। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जितनी बार एनसीईआरटी को रीड करोगे, और वही बोटनी में तो ज्यादा ध्यान दे देना, क्योंकि मैं ये रेशियो मेंटेन नहीं होता कि 45-45 जूलॉजी बोटनी दोनों में 45-45 क्वेश्चन आए, बोटनी से ज्यादा आएगा ये पक्का है, इसलिए बोटनी को मेंटेन करके रखना अच्छे से थोड़ा। जैसे कई चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि वो वाला चैप्टर हो गया जिसमें रूट वगैरह आता है और इनके एग्जांपल्स याद नहीं होते हैं, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, तो उसके लिए फिर क्या करें? वो तो डेली हाँ नेमोनिक्स बना सकते हो आप, या फिर हाँ आपके खुद के नेमोनिक्स बना सकते हो, या फिर टेबल चार्ट बना के भी आप डेली आपके रूम के सामने भी रख सकते हो तो याद हो, वो तो ऐसे ही होगा उनमें। एनाटोमी में भी सारे मोर्फो में जो भी आप एग्जांपल जो भी पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन में भी उनको सारे चार्ट बना के एक कर हो सकता है, वो तो ऐसे तो नहीं होगा। मैथ्स के एनसीईआरटी का तो ऐसा कुछ था नहीं, क्वेश्चन इतने इजी थे कि आपने जो डेली आपको दे रहे हैं वो कर रहे हो तो 10 मिनट में हो जाएगा, मतलब बहुत तो मेहनत तो नहीं करी थी, मतलब बोर्ड के लिए भी नहीं करी थी, देख लिए थे एक बार, ऐसा कुछ लग रहा हो कि अच्छे हो तो करे, पर मेरे को देख के अच्छे भी नहीं लगे तो मैंने नहीं किया। फिजिक्स के भी ऐसे खास अच्छे नहीं लगे, मतलब उसमें थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा था कैलकुलेशन से, और थियोरेटिकल आपका तब अच्छा रहेगा जब आपको डेफिनेशन से याद हो और थोड़े डेरिवेशन आपको उसके फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे करना है, उसके बाद आप लिख पाओगे। पर आपको सिर्फ आपने रटा हुआ है कि फॉर्मूला ये है तो आपको फिर फिजिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। और कुछ उज्जवल? बायो के बच्चों को थोड़ा सा फिजिक्स का फोबिया रहता है, तो आप उसे कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ, बायो वालों के लिए फिजिक्स तो वीक रहता ही है, लेकिन स्टार्टिंग में जब 11th में मैं आया था तो मेरा भी वीक ही था वो, तो जो भी संडे टेस्ट होते थे यहाँ पे उनमें फिजिक्स में 100 से ऊपर भी जा पाना मुश्किल रहता था वो तो। लेकिन धीरे धीरे डीआरटी की प्रैक्टिस टेस्ट जो भी और शीट जो मिलती है वो करो सारे, और वही जितने सोल्व करो क्वेश्चन, और सबसे मेन टॉपिक बात तो ये रहती थी कि आप नोट्स में जो भी सर बताते थे यहाँ पे क्लास में, उन बच्चे क्या करते थे रट लेते फॉर्मूला, लेकिन उनको रटना नहीं है, वो डेरिवेशन आपको अगर डिराइव करके ढंग से पढ़ रहे हो तो आप फिजिक्स आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लास्ट महीनों में 2 महीने जो थे वो तो टेस्ट दिए थे सारे जो पोर्टल पे डाले थे वही। टोटल कितने टेस्ट अवेलेबल साइट पे तो कितने दिए उसमें से? वो तो बहुत सारे दिए थे सर, मैंने लास्ट के टाइम जो एनटीए ने ऐप भी निकाला था उसके टेस्ट भी दे रहा था, अब हाँ एनटीए अभ्यास के टेस्ट भी दिए, और अपने जो कोचिंग का ऐप था आईटी पल्स के उसके संडे टेस्ट के साथ में हर चैप्टर के अलग वाइज टेस्ट भी डाले थे। और इन्होंने उस टाइम एक और खासियत बात इनकी थी कि उन्होंने टॉपिक वाइज नीट के पैटर्न के अच्छे क्वेश्चन निकाल लिए थे, तो उन्होंने प्रीवियस ईयर भी थे और साथ में न्यू जो लेवल आ सकते थे थोड़े मेन सिल टाइप के भी थे, और वीक क्वेश्चन भी थे जो अच्छे थे जो आ सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी सारे उस ऐप पे थे, तो मैंने वही करे थे बस। और कितने रिवीजन कितने बार किया था नीट में लास्ट में, मतलब पूरे कोर्स का रिवीजन कितने बार हुआ था? रिवीजन तो नहीं, बस टेस्ट देता था और लगता था जो टॉपिक वीक है उसको एक बार पढ़ लेता था, वो तो टेस्ट से ही मालूम पड़ेगा आपको कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम टेस्ट नहीं देंगे वो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे डरते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, टेस्ट फोबिया होता है, मतलब टेस्ट के अपन प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत है तो। अच्छा, ऑनलाइन में लोग क्लासेस छोड़ते भी बहुत हैं, हो गया फिर तो सिलेक्शन मतलब ऑनलाइन में बहुत ज्यादा होता है ये, फिर अच्छा, दो दिन बाद वो आके बोलते कि बोले समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बताओ छुट्टियां कितनी मारनी चाहिए? कितनी मारी तुम लोगों ने?
छुट्टियां तो बहुत कम, हम तो संडे भी आए आके एक्स्ट्रा पढ़ते थे, छुट्टियां दूर बात है, मतलब बीमार हो गए गलती से तो कभी छुट्टी मार ली, बाकी तो ना के बराबर ही मारते थे। और तुम भी ऐसे ही करोगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब संडे भी आके डेडिकेट करो टाइम, घर पे करो जैसा कर सकते हो, टाइम वेस्ट मत करो। दो साल अच्छे से कर लोगे तो और टाइम एक्स्ट्रा इसी चीज में नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा इसमें। अच्छा ये बताओ कि अभी आईआईटी की प्रिपरेशन जिस दिन कंप्लीट हो गई, रिजल्ट आ गया, उसके बाद लाइफ कैसी हो गई आप लोगों की? बीच के दो महीने तो बहुत अच्छी हो गई थी, पर अब कॉलेज चालू होगा वापिस, पढ़ना तो उतना ही पड़ता है कॉलेज में। से हमारे साथ हुआ था, हमको सेमी कंडक्टर यहाँ पे जितना पढ़ाया था वो 7-8 दिन में पढ़ाया था, और हमको कॉलेज में जो पढ़ाया वो एक दिन में जितना हमको यहाँ पढ़ाया था हो गया, मतलब हमको जो पढ़ाया था 1% भी नहीं था कोर्स का। पढ़ना तो कॉलेज में भी है, पर आप यहाँ से जब 2 साल बाद निकलते हो ऐसे ऐसी इतनी रिग्रेस मेहनत करके प्रैक्टिस करके, तो आपको वहाँ समझ आता है कि आपको पढ़ना कैसे। और क्योंकि हम यहाँ फंडामेंटल्स और बेसिक्स पढ़ के आए हैं तो हाई लेवल वाली चीज़ें पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। जैसे उनने जो एक दिन में हमको सर ने पढ़ाया वो समझ में आ गया क्योंकि हमने यहाँ प्रैक्टिस करी थी। तो ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि एकदम मक्खन जैसे चलेगी जिंदगी, पढ़ना तो तब भी है, असाइनमेंट मिल रहे हैं, और ऑनलाइन में ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है हमको, ऑफलाइन शायद पता नहीं अभी तो। पर मतलब ये सोचिए अगर तुम पढ़ रहे हो कि हाँ 2 साल पढ़ लिया उसके बाद तो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं कभी, तो 2 साल बाद मालूम पड़ जाएगा वापस, ऐसा मत सोचो। इतना ही बोलूंगा। जोशी सर का स्पेशल फोन आया कि डाइट वगैरह के बारे में क्या है, खाना डाइट और कैसे मेंटली करा, जोशी सर का स्पेसिफिक। अच्छा एक बात और बता दूं, अभी ये लोग जितने स्मार्ट दिख रहे हैं 11 12th में बिल्कुल नहीं दिखते थे। हां ये तो नहीं दिखता जो लिखा है वही रिवाइज कर लो। खाने का और बताओ, डाइट खाने का? हम तो बहुत गए गीतान पे सांवरिया सैंडविच खाने, अभी माहौल नहीं है। पर हाँ हम खाना ऐसा नहीं कि किसी दिन खाना स्किप करके इधर उधर जा रहे हैं, खाना हम रोज रेगुलर रोटी सब्जी खाते थे। और दिन में यहाँ अगर तुम आओगे तो उसके लिए एक सलाह है कि कम खाना, इतनी नींद आएगी नहीं तो पढ़ाई दूर हुई कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए दिन में तो कम ही खाना। वैसे तो दिन में ज्यादा खाना चाहिए पर पढ़ना है इसलिए थोड़ा मेरे को कम खाना पड़ता था। जैसे इतनी सारी पढ़ाई करो तो बीच में माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते थे? एक राउंड मार के आए थे दोस्तों के साथ सर, कोल्ड कॉफी पी ली कभी 10 रुपए की, गीतावन गीतावन पे जाना पड़ता था। पर 12th में हम इतने मैच्योर हो गए थे कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम एक्स्ट्रा, तो कभी ऐसा लगता था कि पढ़ाई नहीं हो रही तो साथ में चले जाते थे, ऐसे 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लेते थे टाइम उसमें। कोचिंग के मॉड्यूल्स कितने सॉल्व किए? मॉड्यूल्स तो मैंने तो कम ही किए थे आखिरी, एक्चुअली मॉड्यूल्स का टाइम निकाल नहीं पाया मैं। प्रैक्टिस शीट मैंने जरूर एक्स्ट्रा मांगी थी होने के बाद, पर मॉड्यूल्स में थ्योरी पोर्शन जरूर पढ़ा था मैंने, तो उसके क्वेश्चन कम कर पाया था। पर मॉड्यूल्स में जो प्रीवियस ईयर थे वो जरूर करे थे, क्योंकि आखिरी में मैंने प्रीवियस ईयर पर बहुत ध्यान दिया था, लगभग सारे करे होंगे। क्योंकि आखिरी में आपको जो परफेक्शन चाहिए आपको पास कराने के लिए या क्लियर कराने के लिए वो प्रीवियस ईयर से आ जाएगा, तो आखिरी में वापस करो, थोड़े बहुत याद हो तो भी वापस करो, मतलब स्टेप्स पूरे लिख के करो, ऐसा नहीं कि हाँ आंसर याद है तो यही आंसर है हो गया, पूरी पूरे प्रोसीजर वाइज करो। पहले कुछ बाय वाले बच्चों को कुछ बोलना चाहते हो भैया? वो आपसे हो रहे हो तो फिर क्या थ्योरी ना हो, मतलब मैं समझा नहीं, क्वेश्चन आपसे बन रहे हो लेकिन उसके थ्योरी वो आपको नहीं आती हो? थ्योरी नहीं आती तो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, मतलब थ्योरी से तू क्या कहना चाह रहा, मतलब ये पूछ रहा हूं थ्योरी मतलब आपको थ्योरी नहीं पता तो कोई ना ऐसा क्वेश्चन तो आएगा जहाँ अटकोगे आप। अगर आपको डेफिनेशन याद है और बाकी चीजें नहीं पता है तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जहाँ अटकोगे, थ्योरी पता होना चाहिए। मतलब आपके नोट्स में से कुछ पॉइंट मिसिंग हो तो सर ने पढ़ा या तो वो याद रह गया या तो गलती से बन रहे, मतलब आपको पता ही नहीं आप क्या लगा रहे हो और बन रहे हैं तो क्या होता है? तुम बता रहे हो कि थ्योरी नहीं पता हो पर क्वेश्चन, पर जब एडवांस की बात आएगी ना तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको बेसिक ज्यादा क्लियर होना चाहिए उसकी बड़ी चीजों से, आपका बेसिक क्लियर नहीं है और आपको थ्योरी नहीं पता है तो एडवांस के क्वेश्चन तो नहीं होंगे जहां तक मैंने देखा, तो आपको थ्योरी जरूर पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको डेफिनेशन रटी हुई है पर डेफिनेशन थोड़ी पता होना चाहिए, डेरिवेशन की स्टेप्स याद करना जरूरी नहीं, डेरिवेशन की अप्रोच क्या है वो देखो आप,
मेरे को आखिरी तक मतलब बहुत सारे ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत सारे डेरिवेशन के लास्ट के जो रहते थे वो याद नहीं रहते थे, पर वो इतने इंपॉर्टेंट थे, मतलब हमने बहुत क्वेश्चन किए, पर मेरे को उसका डेरिवेशन मेरा इतना क्विक था कि मैं 5 सेकंड में डिराइव करके आखिरी के उसके मेन पॉइंट पर आ जाता था, तो इसलिए मेरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी इसके थ्रू ज़्यादा, मतलब लोड नहीं आया मगिंग पे। तुम भी ऐसा कर सकते हो अगर हो रहा हो तो, पर जो फाइनल इक्वेशन आई डेरिवेशन से वो जरूर याद रखो और अप्रोच याद रखो डेरिवेशन की। ओवरऑल यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे थ्योरी पोर्शन ज्यादा है तो आपको रीडिंग पे ध्यान देना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, अगर आप डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हो, कैलकुलेशन वाला कोई पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स में अपन जा रहे हैं, तो बेसिक से कांसेप्ट अपने क्लियर हो, मान लो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो अपन उसको डिराइव करके वहां यूज कर सके, कम से कम ये चीज अपने क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओवरऑल डेफिनेशन ऐसे नहीं वर्ड टू वर्ड याद रहे डेफिनेशन, हम डेफिनेशन खुद अपने वर्ड्स में लिखे तो भी काम चल जाएगा, तो पूरा कवर होना चाहिए। हाँ, 11th एंडिंग और 12th की स्टार्टिंग के बीच में जो टाइम है उसमें क्या करना, तो मैं तो ये बोलूंगा कि 11th के अच्छे कर लो मेन चैप्टर्स, वैसे तो सारे अच्छे हैं पर जो इंटरेस्टिंग चैप्टर जैसे रोटेशन है उसको तुम और अच्छा कर सकते हो, क्योंकि रोटेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें दूसरे चैप्टर सब यूज में आते हैं। एनएलएम आ गया, यूट्यूब से पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, मैंने सिर्फ 1 हफ्ते पढ़ा होगा मुश्किल से और वो पूरा वेस्ट था, मैं तो यही बोलूंगा, कोई फिजिक्स वाला करके था उससे पढ़ा था पर वेस्ट ही था वो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गंदा ही था, अच्छा तो नहीं वो, मतलब पढ़ने का मतलब नहीं, आप जो नोट मतलब एक बार पढ़ लिया तो वापस पढ़ने का मतलब नहीं। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगा एक बार पढ़ के, हाँ क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम डेडिकेट करो। एक बार शॉर्ट में जल्दी से 11th के एक बार और पूछा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है एकदम शॉर्ट में, तीनों सब्जेक्ट के तो भूल गया टॉपिक ही भूल गया आपका। बोला था ये पहले, देखो 11th के ऑर्गेनिक का जीओसी बोलूंगा मैं, और फिजिकल के तो सब लगभग एक जैसे ही हैं, तो इसे वो तो नहीं पता, फिजिक्स में रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और रोटेशन अच्छा है तो आपका मतलब एनएलएम और सर्कुलर भी अच्छा हो जाएगा। ग्रेविटेशन इजी चैप्टर है क्योंकि वो 12th में उसका सेम चैप्टर आया था, वो सर समझा ही देंगे। तो मैथ्स में डिफरेंशिएशन स्टार्ट वो तो सर के ऊपर क्या पढ़ाते, पर डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ लो, पीएनसी शायद तक 11th में ही है, वो भी पढ़ लेना, पीएनसी काफी अच्छा चैप्टर है, उससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, मेरे को तो अच्छा लगता था। मतलब कोऑर्डिनेट तो बहुत ही खतरनाक चीज है, वो तो कितने भी क्वेश्चन कर लो ऐसा जरूर आएगा जो नहीं होता है, कितने भी कर लो। 11th में लीड ज्वाइन करके करने की वजह से प्रैक्टिस नहीं है, तो 12th से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 12th में अगर तुम सिर्फ 11th की करने की सोच रहे हो तो स्टार्टिंग में टाइम मिल जाएगा, उसके बाद तो 12th के इतने हो जाएंगे कि टाइम नहीं मिलेगा। अभी बीच में जो टाइम मिले अगर तुमको कभी मिलता है ऐसा 10-15 दिन का गैप, तो उसमें वो करना चालू कर दो, मतलब उसके क्वेश्चन करना मेनली, तो हाँ तब कर सकते हो जैसे सर ने बताया उसमें। ठीक है फिर, है ना, फिजिक्स पढ़ो थोड़ी देर। कुछ कहना मनीष?